इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनिस में मिलिट्री ऑपरेशन काफी तेज कर दिया है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। आईडीएफ ने खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। एयर स्ट्राइक के साथ साथ इजरायली सैनिक जमीनी हमले भी कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर घर और हर सुरंग में जाकर इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों पर गोलीबारी कर रहे हैं। इजरायल ने गाजा के शहर शेजया में हमास आतंकियों से आमने सामने की लड़ाई का वीडियो जारी कर दिया है। टनल में इजरायली सैनिक गोलीबारी करते दिखे। बीते हर दिन के साथ इजरायली सेना के हमास पर हमले भीषण होते जा रहे हैं। गाजा में खान यूनिस के साथ साथ शेजया शहर में भी इजरायली सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। इजरायली सैनिक एक स्कूल कंपाउंड के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी करते नजर आए, जिसे हमास के आतंकी सुरंग बनाकर हमले कर रहे थे। इन तस्वीरों में इजरायली सैनिक फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं और हमास के मिलिट्री सेल को तबाह करते दिख रहे हैं। बात यमन की, जहां पर हजारों लोगों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। रिपोर्ट देखिए। हाथों में बड़े बड़े प्लेकार्ड और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी। तस्वीरें हैं यमन की राजधानी सना की, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हर तरफ बस एक ही चीज को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और वो है फिलिस्तीन में हो रहा इजराइल का हमला। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द वहां पर युद्ध विराम लगाया जाए और वहां के लोगों को मानवीय सहायता दी जाए। और चलिए बात करते हैं लेबनान की, जहां लोगों ने अलग तरीके से गाजा में सीज फायर लागू करने के लिए प्रदर्शन किया है। पूरी खबर देखिए 30 सेकंड में। खाली ताबूत और मुंह पर गाजा नाम की टेप और सड़कों पर उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। तस्वीरें हैं लेबनान के बेरूत की, जहां फ्रांसीसी दूतावास के सामने सैकड़ों लोग फिलिस्तीनियों के समर्थन में जमा हुए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि गाजा में तुरंत युद्ध को रोका जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खाली ताबूतों के साथ फिलिस्तीनी झंडों में लपेटकर लोगों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक शवों का भी इस्तेमाल किया। यूएनएससी में अमेरिका और इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया है। सहारनपुर में एक दुल्हन हेलीकॉप्टर में बैठकर विदा हुई। बिल्कुल, दुल्हन की इस अनोखे अंदाज में विदाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर की एक शादी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल शादी के वायरल होने की वजह है विदाई। शादी तो काफी सादगी से हुई, लेकिन शादी की रस्मों के बाद जब दूल्हा दुल्हन विदा होने लगे तो कई लोगों की भीड़ खास विदाई देखने के लिए जमा हो गई, क्योंकि दुल्हन दूल्हे के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर विदा हुई। जब हेलीकॉप्टर गांव में उतरा तब बड़ी संख्या में लोग इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। मिशन सन पर गए आदित्य एल्वन ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें कैप्चर की है। इसके लिए टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट देखिए। आदित्य एल्वन में लगे पेलोड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरें खींची हैं। इन्हें कैद करने के लिए पेलोड ने 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया है। इसरो ने एक्स पर इन तस्वीरों को शेयर किया, साथ ही लिखा, SUIT ने जो तस्वीरें खींची हैं, उनमें सन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, सूर्य का शांत क्षेत्र नजर आ रहा है। सूर्य की स्टडी के लिए 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस स्टेशन से PSLV C-57 के जरिए आदित्य एल्वन मिशन को लॉन्च किया गया था।